सात ऐसे देश जहाँ की औरतें अपने पसंद के मर्द के साथ रातें गुजार कर अयाशा करना चाहती है, और इस काम के लिए ज्यादातर वह दूसरे देश के लड़कों को ही पसंद करती है और फिर उनसे शादी भी करती है। साथ में आपको बता दें दोस्तों कि इस देश में औरतों की संख्या मर्दों से दो गुना है, इसीलिए यह औरतें मर्दों के लिए रात दिन तरसती रहती है। नंबर 7, यूक्रेन। दोस्तों इस मुल्क की औरतें सुनहरी बालों वाली, खूबसूरत जिस्म और नीली आंखों वाली होती है। इस मुल्क की औरतें जिसको भी एक दफा देख ले तो वह शख्स इनका दीवाना हो जाता है। दोस्तों पूरी दुनिया में खूबसूरत औरतों और आसान बीवी तलाश करने के हवाले से यूक्रेन पहले नंबर पर आता है। इस मुल्क की औरतों की तादाद मर्दों से काफी ज्यादा है। इस मुल्क की औरतें स्मार्ट और मजबूत मर्द तलाश करती है। ये अपने जिस्म और आंखों से दुश्मन को भी अपना बना लेती है, जो अपने दुश्मन को लड़ने के बजाय प्यार करने पर मजबूर कर देती है। नंबर 6, थाईलैंड। दोस्तों थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ गरीब और एशियन खूबसूरत औरतें रहती है। ये मुल्क अपने मुल्क की खूबसूरत और गरीब औरतों की वजह से बहुत मशहूर है। दुनिया भर के किसी भी मुल्क के मर्द इस मुल्क की औरतों से आसानी से शादी करते हैं और इनसे मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क की औरतें गोरे रंग वाले मर्दों को ज्यादा पसंद करती है। इनका ये मानना है कि गोरे रंग वाले लोग अच्छे होते हैं। इस मुल्क के मर्दों को अपनी औरतों से ये शिकायत है कि वो किसी भी गोरे रंग वाले मर्द को अपना बना लेती है। दोस्तों इस मुल्क की औरतें गरीब होने के बावजूद अपनी सेहत और खूबसूरती का खास ख्याल रखती है। वो बार बार खुद को आईने में देखती है। ये हमेशा सोशल वेबसाइट पर मर्दों से चैटिंग करते हुए अपना सारा वक्त गुजार लेती है, लेकिन ये अपने घर और बच्चों का खास ख्याल नहीं रख पाती। नंबर 5, फिलीपींस। दोस्तों फिलीपीन एक ऐसा मुल्क है जहां औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है, इसलिए फिलीपीन की औरतें आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और डेटिंग वेबसाइट पर चैटिंग के लिए ज्यादा मिलती है। यहां की औरत से शादी करने का फायदा ये है कि मर्द इसे किसी दूसरे मुल्क भी ले जा सकता है। इस मुल्क में आपको आने जाने में कोई मुश्किली नहीं आएगी। इस मुल्क का कानून काफी हद तक अच्छा है। दोस्तों फिलीपीन दुनिया के गरीब मुल्क में से एक है। इस मुल्क की आमदनी बहुत कम है, इसीलिए इस मुल्क की औरतें हमेशा गैर मर्दों की तलाश में रहती है। नंबर 4, कोलंबिया। दोस्तों कोलंबिया एक ऐसा मुल्क है जहां की औरतें बहुत खूबसूरत और पूर्व कशिश मानी जाती है। आप यहां की औरत से शादी करके उसे अपने मुल्क में ले जा सकते हैं। दोस्तों कोलंबिया बहुत साफ मुल्क है। कोलंबिया एक ऐसा मुल्क है जहां बीवी को तलाश करने के मामले में कोई पाबंदी नहीं है, और यहां की औरतें सिर्फ और सिर्फ शादी करना चाहती है। वे चाहे वो यंग हो या बूढ़ा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुल्क में तलाकशुदा औरतों की तादाद बहुत ज्यादा है, जो बस किसी गैर मुल्की मर्द से शादी करना चाहती है। नंबर 3, ब्राजील। दोस्तों ब्राजील की औरतें अपने तिलों की वजह से बहुत मशहूर है। इस मुल्क की औरतों का जिस्म और इनकी शक्लो सूरत हर एंगल से अलग होती है। इस मुल्क में औरतों के लिए कोई कानून नहीं है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकती है। दोस्तों इस मुल्क में औरतों की आज़ादी की वजह से मर्द काफी खुश होते हैं, लेकिन वो कभी कभी आज़ादी की वजह से अच्छी और नेक बीवी कहाँ से तलाश करे उसकी परेशानी में रहते हैं। नंबर 2, वियतनाम। दोस्तों एग्जॉटिक वियतनाम का मतलब है कि गैर मुल्की वियतनाम। वियतनाम के लोग किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। दोस्तों इस मुल्क की औरतें कम से कम 3 या 4 शादियां करती है। इस मुल्क में रोजाना सैकड़ों औरतों के लिए अखबार में टेंडर आते हैं, जिन्हें मर्द रात को शादी के लिए ठेके पर ले जाते हैं और वहां से छोड़ देते हैं। इस मुल्क की औरतें अपनी खूबसूरती और जिस्म से बखूबी वाकिफ है, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्हें अगर एक मर्द छोड़ देगा तो दूसरा अपना लेगा। ये हमेशा ऐसे मर्द की तलाश में रहते हैं जो हसीन और नौजवान हो और इनका ख्याल रखने वाला हो। इस मुल्क में बिखरे हुए ज्यादा से ज्यादा छोटे गाँव मौजूद है। इस मुल्क की खूबसूरत औरतों को लोग इंटरनेट पर डेटिंग वेबसाइट पर आसानी से तलाश करते हैं और इनसे संपर्क करते हैं। नंबर 1, चाइना। दोस्तों चाइना अपने ही मुल्क की खूबसूरत औरतों के लिए जाना जाता है। दोस्तों चीन की औरतें गैर मुल्की मर्दों के साथ शादी करने के लिए आसानी से राजी हो जाती हैं, लेकिन अपने वतन से बाहर जाने के लिए राजी नहीं होती। जब वो गैर मुल्की मर्द से शादी कर लेती है तब तुरंत उसे कहती है कि आप हमारे मुल्क में आ जाओ, मैं आपके मुल्क में नहीं आ सकती।